नमस्कार, अर्ली टाइम से करें आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो जिला कठुआ से आ रही है। आपको बता दूं, जिला कठुआ में जो है वो जीआईएस सर्वे जो है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है। आज आपको बात बता दूं तो म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय में जो है एक प्रेस वार्ता होती है, जिसमें जो है अपने करीबी पत्रकारों को जो है वो वहां पर बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी गई। हालांकि एक बड़ी खबर है कि अगर जिला कठुआ में कई ज्यादा पत्रकार हैं, तो जिस तरह से अगर जिला कठुआ की जितनी भी आवाम है, अगर उनको पता चलना चाहिए कि जीआईएस सर्वे हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह से प्रोसीजर जो है वो रहने वाला है। तो जिस तरह से आज का वाकया अगर की बात करूं, तो यहां पर जिला कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल कार्यालय में कर दी जाती है। अपने करीबी पत्रकारों को बुलाकर जो है वो प्रेस वार्ता की जाती है। एक सवालिया निशान जो है वो प्रशासन पर भी खड़ा होता है और जो सीओ कठुए हैं उन पर भी खड़ा होता है कि आपके कार्यालय में जो है पत्रकार वार्ता हो जाती है और अपने करीबी पत्रकारों को जो है वो वहां पर बुलाया जाता है। हालांकि इसके बाद अर्ली टाइम्स की टीम ने हमने जो है वो सीओ कठुआ से संपर्क साधा, तो उनका ये कहना था कि मैंने जो है वो किसी को नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता कि मेरे कार्यालय में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी आकर जो है कर सकते हैं। जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई मजाक नहीं है कि जिसका मन चाहे वो वहां पर जाकर जो वो है वो कर ले। अपनी मर्जी है कि जब मन किया, जब अपनी मर्जी की, तो वहां पर जाके कर ले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बकायदा सभी पत्रकारों को वहां पर बुलाना चाहिए था और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए थी, ताकि जितने भी लोग हैं कठुआ के रहने वाले हैं, हर एक निवासी को जो है इसकी सूचना मिले कि जीआईएस सर्वे जो है वो शुरू होने वाले हैं और किस तरह से आपके घर जो है वो सर्वे करने के लिए आएंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे और आपको जो है वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हालांकि कई बार जो है वो फ्रॉड्स भी जो देखने को मिलते हैं, कुछ लोग आपके घर आएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो डाटा जो है वो कहां पर जाएगा। ये सारी जो है एक कहीं ना कहीं आपको कहूंगा कि सिक्योरिटी रीजंस भी जो है इसके पीछे रह सकते हैं। जिस तरह से एक पत्रकार को बुलाया गया, तो कई ज्यादा जो है यहाँ पर कठुआ में और भी लोग हैं जिनको बुलाया जाना चाहिए था, तो हम यही कहेंगे अगर संबंधित विभाग के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगली बार अगर इस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर लोगों के हित में अगर कोई बात है या लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इससे पहले जो है एक मैसेज जो है वो ग्रुप्स में डाला जाना चाहिए, मीडिया को बुलाया जाना चाहिए कि हर एक मीडिया जो है उस चीज को कवर करे और जितने भी आवाम है, जितने भी व्यूअर्स हैं जो हर एक पोर्टल को देखते हैं, उन तक जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जो है उन तक पहुंच जाए। और जो ये अपने रिश्तेदारों को बुलाकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नया जो चलन जो है वो कठुआ शहर में शुरू हुआ है, तो इसको जो है वो बंद किया जाना चाहिए और अपने करीबियों को बुलाकर इस तरह से जिस तरह से बात कहूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करता है। और जिस तरह से सीओ कठुआ ने कहा कि आप भी यहां पर आके कर सकते हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचनी है, तो इसको जो है एक कहेंगे कि इसको जरा इस पर गौर रखें और इसको जो है वो सतर्कता जो है बनाई रखें और अगली बार जो इस तरह से कार्य जो होंगे, जो प्रोग्राम्स होंगे, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के हित में होंगे, तो उम्मीद की स्थिति कि अगर जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी अगर इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो जो है वो सभी को बुलाया जाना चाहिए और सबके द्वारा जो है ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए।